सो गाइस आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्लासिक 350 के बेस वेरिएंट को यहाँ पर बुलेट 350 स्टैंडर्ड के साथ। क्लासिक 350 का जो प्राइस है वो है 2,24,000 रुपये ऑन रोड यहाँ पर जयपुर के अंदर। एंड जो यहाँ पर बुलेट 350 आती है इसका ऑन रोड प्राइस है 1,83,000 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर के अंदर। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दोनों बाइक्स अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है क्लासिक 350 बेस वेरियंट, इसके अंदर तीन कलर्स आते हैं। ये सेज ग्रीन है, इसके साथ एक रेडिच रेड आता है और इसके साथ एक ग्रे कलर आता है। यहाँ पर एक बार मैं आपको ढंग से यहाँ पर कलर दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको कलर देखने को मिलेगा। पेंट स्कीम मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है इसकी, सेज ग्रीन की, और बहुत ही यूनिक कलर है ये। यहाँ पर बाइक के अंदर जो ब्रेक आते हैं वो सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है, मतलब जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है सिर्फ उसके अंदर ही ABS आता है। ये सिर्फ बेस वेरियंट के अंदर ही आता है और ये हेल्सियन सीरीज़ के अंदर आता है सिर्फ। सिंगल चैनल ABS वेरियंट की बात करूँ यहाँ पर, ये है बुलेट 350 स्टैंडर्ड। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है इस गाड़ी को, बहुत सारे लोगों की बहुत चहेती बाइक है। प्योर मैकेनिकल बाइक है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है, आपको सिर्फ किक से स्टार्ट करना पड़ता है इस बाइक को। एक सिंपल सा हम यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो दोनों बाइक्स के अंदर स्पोक व्हील्स आते हैं। डिफरेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर क्वालिटी का, थोड़ा बहुत आप जो देख सकते हैं फिनिशिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ी ब्लैक आउट यहाँ पर रिम देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको यहाँ पर स्टील रिम के अंदर ही बाइक देखने को मिलती है। यहाँ पर जो टायर हैं उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको C8 कंपनी के टायर्स देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, और इसकी जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े बहुत अलग हैं। एंड ये बुलेट 350 का जो टायर है उसके ट्रेड्स आप देख सकते हैं कुछ अलग स्टाइल के देखने को मिलते हैं। हेडलाइट क्लस्टर कुछ इस प्रकार का आता है, ओल्ड रेट्रो लुक आता है बाइक का प्रॉपर। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है बल्ब इंडिकेटर्स के साथ, और ये DRLs देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक 350 के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें डिजिटल प्लस एनालॉग आता है। ये डिजिटल है और ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर फ्यूल गेज भी आता है, मतलब पेट्रोल कितना है बाइक के अंदर ये बाइक आपको बता देती है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है क्लासिक 350 बेस वेरियंट का। यहाँ पर अगर बात करें बुलेट 350 स्टैंडर्ड की तो इसका मैं अब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये देखने को मिलेगा, यहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के बाइक के अंदर नहीं आता। और आपको जानना है कितना पेट्रोल है आपकी बाइक के अंदर तो आपको यहाँ पर फ्यूल कैप खोल के देखना पड़ेगा कि भाई इस बाइक के अंदर कितना पेट्रोल है। यहाँ पर मैं इसको वापस लगाता हूँ एक बार, तो फ्यूल टैंक जो है दोनों बाइक्स का लगभग सेम आता है यहाँ पर 13 लीटर्स के आसपास का। सीट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इस बाइक के अंदर, सिंगल सीट आती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये सीट मेरे हिसाब से, बहुत स्टिफ सीट है, काफ़ी कड़क सीट है अगर यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊँ। यहाँ पर जो सीट है क्लासिक 350 के अंदर बहुत कंफर्टेबल है, बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। काफ़ी अच्छी यहाँ कुशनिंग देखने को मिलती है, स्पॉन्ज जो इस बाइक के अंदर की सीट्स के अंदर यूज़ हुआ है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही यहाँ पर आरामदायक सीट है। क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर किक नहीं आता है, वहीं यहाँ पर बुलेट 350 के अंदर आपको किक देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये रहा किक, आपको बाइक किक से ही स्टार्ट करनी पड़ती है बिकॉज इसके अंदर आपको यहाँ पर इग्निशन स्विच देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो इंजन है क्लासिक 350 का वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है बिकॉज इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन हो चुका है। अगर आपने क्लासिक 350 नहीं चलाई है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार चलानी चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करें बुलेट 350 के बारे में तो ये आपको ओल्ड रेट्रो डिज़ाइन वाला इंजन ही देखने को मिलता है। इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगी आपको इंजन के अंदर, एंड जो आपको प्रॉपर ओल्ड बाइक का आपको मज़ा चाहिए, फील चाहिए, तो आप यहाँ पर बुलेट 350 डेफिनेटली लीजिएगा। यहाँ पर एम्बलम आता है काफ़ी बढ़िया, आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। यहाँ पर रियर में चला है तो रियर में भी हमें ट्यूब टायर ही देखने को मिलते हैं दोनों बाइक्स के अंदर। ये है क्लासिक 350 और ये है बुलेट 350। बुलेट 350 के अंदर रियर की बात करूँ तो ड्रम ब्रेक आता है इस बाइक के अंदर, और यहाँ क्लासिक 350 की बात करूँ तो इसके अंदर भी हमें ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। सिंगल चैनल ABS बाइक के अंदर आता है क्लासिक 350 की यहाँ बात करूँ, कुछ इस प्रकार का आपको रियर डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बल्ब टेल लाइट ही देखने को मिलती है, और ये है क्लासिक 350 का रियर लुक, इसके अंदर भी आपको बल्ब टेल लाइट देखने को मिलती है। तो जो डिज़ाइन है वो रियर से दोनों बाइक से काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पर रेट्रो लुक
प्लस थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक चाहिए तो आप डेफिनेटली क्लासिक 350 के साथ जाइए। अगर आपको एक ज़्यादा स्मूथ एक आरामदायक बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली क्लासिक 350 के साथ जाइए। बट आपको एक प्रॉपर ओल्ड क्लासिक बाइक का फील चाहिए और आपको किक से ही स्टार्ट करने में मज़ा आता है बाइक को, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ बुलेट 350 लेनी चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको कम पैसे खर्च करने हैं और आपको डिसेंट बाइक चाहिए तो आप बुलेट 350 लीजिए, बिकॉज डिफरेंस जो है दोनों बाइक में अच्छा खासा है प्राइस में अगर यहाँ बात करूँ। एंड ओवरऑल कुछ इस प्रकार के दोनों बाइक्स के लुक आते हैं, फ्रंट से भी यहाँ बात करी जाए तो यार काफ़ी शानदार यहाँ पर बाइक्स है दोनों। मैं कौन सी लेता, मैं डेफिनेटली क्लासिक 350 के साथ जाता, बिकॉज मुझे एक थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस ना हो, जो आप लंबे समय के लिए यूज़ कर पाएँ और लंबे समय तक आप इस बाइक को चला पाएँ, तो मैं डेफिनेटली क्लासिक 350 लेता। आप दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक चूज़ करते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ये एक छोटा सा कंपैरिजन था क्लासिक 350 बेस वेरिएंट का और यहाँ पर बुलेट 350 स्टैंडर्ड के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं, throttle_9net पर इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ लिख के आ रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे DM करके कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड वाइट सेफ, बाय।